हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जाने। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। जरदारी की ताहिर उल कादरी से मुलाकात, एपीसी में शिरकत का वादा। सानिया मॉडल टाउन पर अवामी तहरीक के मौकफ के साथ है। शहबाज शरीफ और राणा सनाउल्ला को इस्तीफा देना होगा, साबिक सदर की गुफ्तगू। टिकट कटाने पर जोर, एक और एनआरओ का शोर। नवाज शरीफ कल सऊदी अरब रवाना होंगे। साद रफीक, आसिफ किरमानी और साजिद मीर पहले से मौजूद। शोर मचाओ या गोडे गिट्टे दबाओ, कुछ नहीं होगा। छूट मिल गई तो सड़कों पर होंगे, कप्तान का ऐलान। सऊदी अरेबिया में तहरीक चलाने चले गए दोनों भाई, उनके घुटने पकड़ेंगे, वो शहजादों के घुटने घुटने दबाएंगे, खुदा के वास्ते बचा लो। बड़ी मेहनत से हमने चोरी की थी, काफी धोखे हो चुके हैं कि बड़े ताकतवर मुल्क को लूट के और एनआरओ ले लें। इस बारी कौम सारी सड़कों पर निकलेगी। इसहाक डार की दुबई में 11 कंपनीज, एक कंपनी की 52 विलास, बेटों के 10-10 अरब मालियत के दो टावर हैं। इमरान खान का हुदैबिया पेपर्स मिल केस में नए शवाहिद लाने का भी दावा। माजी और आज के एनआरओ में बहुत फर्क है। सियासतदान गैरों के दर पर जाने के बजाय अपने फैसले खुद करें, साद रफीक के बयान में कोई बड़ी बात नहीं थी। खुर्शीद शाह का रद्द अमल। साद रफीक ने फौज से मुतालिक कोई बात नहीं की। पंजाब में अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा करने की कोशिश हो रही है। वजीर कानून पंजाब राणा सनाउल्ला की न्यूज कॉन्फ्रेंस। हिम्मत दिखाओ, पाकिस्तान आओ, केसेस का सामना करो। नवाज शरीफ का परवेज मुशर्रफ को चैलेंज, साबिक सदर को जल्द कचहरे में लाएंगे, अदलिया को भी जगाना होगा। साबिक वजीर आजम की लीगी रहनुमाओं से गुफ्तगू। पाकिस्तान में पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के कयाम की मंजूरी। मुल्क में कयाम अम से ही खेलों के मैदान आबाद होंगे। वजीर आजम का कायदे आजम बैनुल सूबाई गेम्स की खितामी तकरीब से खिताब। आयशा गुलालई का नया मिशन, तहरीक इंसाफ की नाराज खातीन से राबते, नई पार्टी में शमूलियत की पेशकश। जमात का नाम तहरीक इंसाफ गुलालई रखने का ऐलान। वबाल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 13.58 रुपए लीटर इजाफे की सिफारिश। पेट्रोल 4.06 रुपए महंगा होने का इम्कान, ओग्रा ने समरी भेज दी। इमरान फारूक कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त, मुतहदा लंदन के 3 रहनुमाओं के रेड वारंट जारी करने की मंजूरी। अनवर हुसैन, इफ्तिखार हुसैन और काशिफ कामरान को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करके वतन लाने का फैसला। अभी यकीन करें ये पड़े हैं, सारे जमा करके लिए हम लोग पैसे, सब पेट्रोल भी हमारे ऊपर आता है ना। सर चार जगह नहीं है पूरे बगान में, तो कल नहीं रुकूंगा, दो दिन नहीं रुकूंगा, इसका नंबर नोट करता हूँ। कराची पुलिस ने लुटेरों के तौर तरीके अपना लिए, एहलकार चेकिंग के नाम पर लूट मार करने लगे। काला पुल पर सरेआम रिश्वतखोरी। कोई मजबूरी में जा रहा है उसके पास नहीं है, अब उनका चेहरा तो देखना चाहिए यार, कौन शरीफ है कौन गलत। छुपके खड़े होते हैं, सामने खड़े हो जाए लोग सिग्नल ना तोड़े, छुपके खड़े होते हैं कि सिग्नल तोड़ेंगे फिर पैसे पकड़े। नकली पिस्तौल से असली वारदातें, कराची के मिली मॉडल कॉलोनी में 2 डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए, तशद्दुद के बाद रेंजर्स के हवाले। हैदराबाद में सायरा नसीर कत्ल केस, अदालत ने बेटे और बहू को 8 रोजा रिमांड पर जेल भेज दिया। बेगुनाह फहद शाह पुलिस की जबान बोल रहा है, वालिद का इसरार।
पाकिस्तान स्टील की बर्बादी किसी साजिश का नतीजा तो नहीं, नैब ने तहकीकात का फैसला कर लिया, तमाम जिम्मेदारों के नाम ईसीएल में डालने का ऐलान। निजाम तालीम की बेहतरी के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा इकदाम, 75% से कम हाजिरी वाले तलबा बोर्ड और यूनिवर्सिटी इम्तिहानात नहीं दे सकेंगे, निगरानी के लिए टीमें तश्कील। फलस्तीन के शहर बैत लहम में एहतजाज, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारे, शहरियों ने टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। शाहीनों की न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में लैंडिंग, दोनों टीमें 6 जनवरी को पहले वनडे में इन एक्शन होंगी। सबसे पहले आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में डॉक्टर ताहिरुल कादरी से मुलाकात की है और कल होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत का वादा कर लिया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने इस मौके पर कहा कि शहबाज शरीफ और राणा सनाउल्ला को इस्तीफा देना होगा, सानह मॉरल टाउन पर वो अवामी तहरीक के मौकफ के साथ है। आपको बताएं कि लाहौर में मिनहाजुल कुरान सेक्रेटेरिएट में ताहिरुल कादरी और आसिफ जरदारी के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें पीपी की तरफ से खुर्शीद शाह, रहमान मलिक, कमर जमान कायरा, लतीफ खोसा और मंजूर भट्टो शरीक थे। ऐसे में पाकिस्तान अवामी तहरीक की जानिब से डॉक्टर ताहिरुल कादरी, खुर्रम नवाज गंडापुर और दीगर रहनुमा मुशावरती बैठक में शरीक हुए हैं। आपको बताएंगे अहम मुलाकात हुई है और इस अहम मुलाकात में एपीसी में शिरकत का वादा किया गया है। शहबाज शरीफ और राणा सनाउल्ला का इस्तीफा देना होगा, ऐसा कहना है साबिक सदर का। सानिया मॉडल टाउन पर अवामी तहरीक के मौकफ के साथ हैं और आसिफ जरदारी ने यह भी कहा कि सऊदी अरब इस बार मियां साहब की मदद के लिए नहीं आया। जी हाँ, बहुत अहम मुलाकात ही तसव्वुर की जा रही थी, क्योंकि कल होने वाली एपीसी में देखना यह है कि क्या तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी एक साथ मौजूद होगी, क्योंकि डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने यह दावा किया था वो जब चाहें दोनों को दाएं और बाएं जाने बिठा सकते हैं। इसी पर बात करते हैं, दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत अंसारी, फिलहाल तो दाएं बाएं जाने पीपल्स पार्टी ही मौजूद है, लेकिन क्या तय क्या पाया आज होने वाली इस मुलाकात में? अजी, आज की मुलाकात की जो सबसे अहम बात यह है कि ये मुलाकात अगर 1 घंटा 20 मिनट रही है तो 1 घंटा 10 मिनट जो है वो आसिफ अली जरदारी और डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने 1-to-1 मुलाकात की है। यानी इस मुलाकात में जो वफूद की सतह पर मुलाकात थी वो सिर्फ एक फोटो सेशन की हद तक थी, लेकिन 1 घंटा 10 मिनट दोनों ने अलग से 1-to-1 मुलाकात की है। दूसरा, पीपल्स पार्टी ने इस बात पर डॉक्टर ताहिरुल कादरी को यकीन दिलाया है कि आप लाहौर निकलते हैं या किसी और जगह पे निकल पीपल्स पार्टी आपके साथ खड़ी होगी। और तीसरा, ये भी तय किया गया है कि जो कल की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है उसमें जो सियासी लाहा अमल के लिए है उसमें पीपल्स पार्टी ने अपनी तजावीज दे दी हैं और आज ये तय पाया है कि तहरीके इंसाफ का काला सफेद वक्त आज रात ही दोबारा डॉक्टर ताहिरुल कादरी से मुलाकात करेगा, जिसमें आसिफ अली जरदारी की जो तजावीज दी गई हैं उनसे हतमी तौर पर आखिरी तौर पर तहरीक इंसाफ को एतमाद पे लिया जाएगा। साथ ही साथ आसिफ अली जरदारी ने डॉक्टर ताहिरुल कादरी को बिलावल हाउस आने की दावत दी और कहा है कि जब इस मामला से कदरे फरागत हो तो वो बिलावल हाउस आए, वो उनकी मेजबानी करना चाहते हैं और उनको मेहमान बनाना चाहते हैं। अब बहरहाल आज इस मामला में आसिफ अली जरदारी ने बड़े वाजे तौर पर डॉक्टर ताहिरुल कादरी के साथ अलग से बैठकर मामला को भी किया है, तजावीज का भी जायजा लिया है और अब वो तजावीज जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ रात को डिस्कस होंगी और कल फिर आईपीसी के अलामिये का हिस्सा बनेंगे। ठीक है, तजावीज सामने आई, उसका जायजा लिया गया। शुक्रिया लियाकत अंसारी, आपने अपडेट किया। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी की लाहौर में मुलाकात हुई ताहिरुल कादरी से और इस अहम मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक सदर का क्या कहना था, आइए देखते हैं। इतनी कमर का दर्द है, फिर इतना बड़ा नाच कर रहा है, डांस कर रहा है और इतना बहादुर है, कमांडो है तो वापस आ जाए। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी ने लाहौर में मुलाकात की ताहिरुल कादरी से, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। कहा कि एपीसी में शिरकत का वादा कर चुके शहबाज शरीफ और राणा सनाउल्ला का इस्तीफा देना होगा, सानिया मॉडल टाउन पर अवामी तहरीक के मौकफ के साथ हैं। दूसरी जानेब, टिकट कटाने पर जोर है तो एक और एनआरओ का शोर है। नवाज शरीफ कल सऊदी अरब रवाना होंगे,
साद रफीक, आसिफ किरमानी और साजिद मीर पहले से सऊदी अरब में मौजूद हैं। आपको बताएं कि पहले से ही सऊदी अरब में कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ अब जाने वाले हैं। ऐसे में एनआरओ का शोर है। नवाज शरीफ कल सऊदी अरब रवाना होंगे। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ वहीं पर मौजूद हैं। साद रफीक, आसिफ किरमानी और साजिद मीर भी पहले से ही पहुंच चुके हैं। क्या ग्राउंड बनाया जा रहा है, क्या होने जा रहा है, एनआरओ होगा या नहीं, बहरहाल शोर तो यही मचाया जा रहा है। जाने बैनारों की सूरत में कप्तान ने सड़कों पर आने की धमकी दे दी। कहा कि शरीफ फैमिली ने तमाम इदारे तबाह कर दिए, कौम एनआरओ कबूल नहीं करेगी। शरीफ बरादरान को इस बार छूट मिली तो अवाम सड़कों पर होंगे। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने कहा कि अगर एनआरओ की सूरत में सड़कों पर आवाम होगी, शरीफ फैमिली ने तमाम इदारे तबाह कर दिए हैं और कौम एनआरओ किसी सूरत कबूल नहीं करेगी। कोशिश की जा रही है एक और एनआरओ लेने के लिए। हमने सुना था कि नवाज शरीफ तहरीक चलाने लगा है पाकिस्तान में। मैं तो इंतजार कर रहा था उसकी तहरीक की, लेकिन अब पता चला है कि सऊदी अरेबिया में तहरीक चलाने चले गए हैं दोनों भाई। मेरे ख्याल में ये उनके घुटने पकड़ेंगे, वो शहजादों के घुटने घुटने दबाएंगे, खुदा के वास्ते बचा लो, बड़ी मेहनत से हमने चोरी की थी, बड़ी हमारे देखे ना, बच्चों को भी हमने पालना है, वो सारों को अरबपति बनाना है, बच्चों के बच्चों को भी अरबपति बनाना है, इसहाक के बच्चों को भी, फिर उनके वो सिर्फ और सिर्फ पैसा बचाने जा रहे हैं। ये आपका पैसा अब नहीं बचने लगा। आप चाहे सऊदी अरेबिया चले जाएं, आप ट्रंप को भी मिलने चले जाएं, उसके भी घुटने घोटे पकड़ लें। काफी धोखे हो चुके हैं कि बड़े ताकतवर मुल्क को लूट के और एनआरओ ले लें। इस बारी कौम सारी सड़कों पर निकलेगी। फिर ना कहना कि इमरान खान फिर सड़कों पर आ गए। क्या हकीकत है, क्या फसाना, बहरहाल खुर्शीद शाह को तो एक और एनआरओ होता हुआ नजर आ रहा है। सऊदी अरब के दरवाजे पर दस्तक क्यों दी जा रही है, ये भी कहा, और ये भी कहा कि एनआरओ किसी खानदान को बचाने के लिए हो रहा है। एक एक और एनआरओ होता हुआ नजर आ रहा है खुर्शीद शाह को, और कहा कि सऊदी अरब के दरवाजे पर दस्तक क्यों दी जा रही है, ऐसे में एनआरओ किसी एक खानदान को बचाने के लिए हो रहा है, ऐसा कहना है ऑपोजिशन लीडर का। यह भी कहा कि माजी और आज के एनआरओ में बहुत फर्क है। खुर्शीद शाह की तहरीक इंसाफ के रहनुमा शमसान बुखारी के घर आमद, वालदा के इंतकाल पर इजहार ताजियत। मीडिया से गुफ्तगू में हुकूमत के सऊदी अरब जाने पर इजहार तशवीश। कहा सियासतदानों को गैरों के दर पर नहीं अपने फैसले खुद करने चाहिए। 20 करोड़ अवाम का मुल्क है, इसके अपनी पॉलिसियाँ होनी चाहिए, इनका अपना रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, इनका अपना आइन है, हमें फैसले खुद करने चाहिए। हमें दूसरे के दरवाजों को खटखटाना करना ये बड़ा मुझे तकलीफ दह हो रहा है। खुर्शीद शाह का कहना था कि इमरान खान और नवाज शरीफ लाडले हैं, खेलने को चांद मांगते हैं। अपोजिशन लीडर का कहना था कि साद रफीक के बयान में कोई बड़ी बात नहीं थी जिस पर फौरी रद्द अमल आता। साद रफीक का स्टेटमेंट बड़ा तफसील से पढ़ा है, बड़ा देखा है, उसमें कोई ऐसी बात नजर नहीं आई जिसमें इमीडिएटली ISPR का इतना बड़ा रिएक्शन आ गया, जो नहीं आना चाहिए था। वो अदारा है, उनका एक एक लफ्ज की बड़ी अहमियत है, उनको इतना जल्दी नहीं आना चाहिए था। खुर्शीद